अब देखी भैया राजनीति देखी ओइजा के कई कुप भवन में गिर रहले आई यही जाला कुप भवन में गिरल का करब समय समय के बात बा तो भैया ओ लो उतरेता जुग रहे बाप रे बाप समय समय के बात बा समय समय के बात बा तब दुगुला के मैंने कहा होला एगो ब्यास जहां से प्रसंग गा के छोड़स ओइजा से दूसर का ब्यास के गावे के चाहे को भवन में गिरल बड़े को भवन में गिर गुल बड़े अब विचार करी कहले जे वरदान मंगली दूनो कहली कि हमरा के दूनो वरदान चाहे सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देह एक बर भरत है टीका दूसर बर मांगो करजोरी प्रभु नाथ मनोरथ मोरी तापस भेष विशेष उदासी आ चौदह बरिस राम बना चौदह बरिस के प्रवास मांग ली हली कुप भवन में राजा दशरथ गिरल गड़े सुबह भइल सुबह भइल अब देखे तो खाली रामे के बनवास ना मांगले रहली ए चौपाई चौपाई का कहती है ध्यान से सुने तापस भेष विशेष माने बी उपसर्ग शेष माने शेषा अवतार के रहले लक्ष्मण जी तापस भेष विशेष उदासी उदासी जौन घरवा में आई बड़ी सीता जी आ तब चौदह बरिस राम बना उदासी विचार करब जब वरदान तो मांग ली हली राम जी के जब पता चलल गोइले कहले कि पिताजी आज कुप भवन में रुक गिरल बनी आखिर बात का बा मैं बात कह के अब सुबह भई सुबह के बेरा सुमंत जी रथ पर बैठा के आ ले के चल दिले दशरथ जी कहले कि सुमंत चौदह वर्ष ना हो चौदह दिन में बन के घुमा के आ फिर रथ समेत तीनों मूर्ति सहित अयोध्या में लेके आ जाए समय बीते लागल जब सुरसरी के तीर पर जब रथ पहुंचल राम जी कहले जे रथ लेके जा सुमंत जी रथ लेके जा जब खाली रथ लेके अयोध्या में सुमंत जी अले ते तुलसी बाबा चौपाई लिखले जास वियोग विकल्प सुए से प्रजा मात पितु जी यही कैसे बरबस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप तब आए राम कुशल कहु सखा सने ही कह रघुनाथ लखन भय देही आने फेर की बनही सिधाए आ सुनत सचिव लोचन जल छाए झरझर आंख से आंसू गिरे लागे कहले कि तनी हमरा के कुशलाई सुनावा अरे कुशला अरे कुशल आई हो तनी कही के सुना दो अरे कुशल आई हो तनी कही के सुना कुशल आई हो तनी कही के सुनाओ वाह वाह तो कहां बड़े राम सिया लखन छोटे भाई कहां बड़े राम सिया लखन छोटा भाई आ तारे जा सुअर के गोबर सुअरिया के गोबर ठीक बा और दिमिया के गोबर ठीक नहीं एकर मतलब कि तू गोबर है हवा गोबर है हवा अपने से तू कहत रहा भाव लागल रह दो चले तो चले दो चल के तो ना हमारा के नजर से देखलाई कुशलाई तनी कह के सुनावा कुशलाई तनी कह के सुनावा कुशलाई बबुआ भैया अपना जवानी में जवन तू गलती कइले रहब मरे के समय तार आंखी के सोझा रील चले लगी सुमंत जी झरझर रोवत रहे आ कहत रहे दुनिया में वैसा आज तक केहू मंत्री केहू ना भई राजा दशरथों के पेड़ में मंत्री रहले आ रामू जी के राज्य में उहे मंत्री रहले नचनिया भाव लागल अरे हमारा के हरि जी धन्य गायत्री बाबा धन्य गायत्री बाबा के भाव में हमारा के प्रभु जी खेदलनी बोरियारी
हमारा के हरी खेदलनी पोरी आरी सब केहू ओजे रहल केहू पूछू ना कहल ताकत रहले मुह लखन जनपा दुलारी हे ने आओ जब अतना बात सुन ले तो छाती में मुका मार के गिर गई कहले कि रानी रानी अब हमारा आंख से लोकत नहीं खिरानी रानी कौशल्या ई कहा स्वामी जी ई रौरा का कहत बनी कौशल्या हमारा आंखी से लौकत नहीं खे कौशल्या हमारा आंखी से लौकत नहीं खे ना बुझा जे अब हमारा पान धान दी के शराब पाज परत कैसन शराब कैसन सर्वन के श्राप सर्वन के माता पिता के श्राप रानी हम एक दिन जंगल में शिकार करे खातिर गोई रहे अब राजा दशरथ अपन जवानी के कहानी सुनाओ तारे राजा जी को होता रे डिंपल भैया हमरा के देले बने पुरस्कार डिंपल भैया के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा चाचा अपना जवानी में जवन गलती कइले होखबो मरे घरी तहरा आखी के सोझा रील चलेला केकर बेईमानी कइले बड़ो रानी से बचाना एक दिन गईनी शिकार करे बाना इहे होला जदि एगो व्यास डेढ़ घंटा लगातार शुरू करती हैं कमिटी के माने हो जे समय दे दो 40 मिनट तरह गावे के बा 45 मिनट गावे के बा और 2 घंटा लोग गाई तब पब्लिक का करी लोग कहे कि चला जाए दो इहो गाई 2 घंटा चलो हो इहे होला इहे भैया लयदारी के फरमाइश कइले बने भैया हमरा के शब्द सुनी जननी हिरनवा चलाई देनी बनावा ए रानी आ शब्द सुनी जननी हिरनवा चलाई देनी बनावा ए रानी ए शब्द सुनी जननी हिरनवा चलाई देनी बनावा ए रानी वाह वाह ऐसे कवनी है प्रसंगवा ना गई थी तो दुगुला हो लोग कहित खुद खड़ा होकर तो कहते हम प्रसंग गल रहे हैं कहना तू गोला प्रसंग राजा दशरथ कहले कि रानी अब हमारे जवानी के कहानी याद पड़ता एक दिन रानी जंगल में गोई रहनी शिकार करे खातिर हम शब्द भेदी बाण चलावे जानत रहनी रानी शब्द भेदी बाण चलावत रहे दो आदमी के एगो त्रेता युग में राजा दशरथ न तो कलयुग में भी शब्द भेदी बाण चलावे वाला लोग रहले के रहले जकर नाव रहे पृथ्वी राज चौहान जकर नाव रहे पृथ्वी राज चौहान शब्द भेदी बाण चलावा सु शब्द भेदी बाण तो हम चला दे हने घटना स्थल पर कोई नहीं तो देखत नहीं जे हम जननी जे कोनो जानवर हो पानी पियता हम जननी जे हरिना हो घटना स्थल पर देखत नहीं जे नौजवान लड़का के बाण लागल बा कहने की बबुआ तू के हवा कहले जे हमार नाम श्रवण कुमार हो हमरा माता के नाम चंद्रकला हो पिता के नाम उद्यान ऋषि हो लेकिन राजन नी तू हमरा संग अन्याय कर दिया हमरा संग गलती कर दिया राजन कहले जे हमरा के क्षमा कर दे कहले जे क्षमा मैं नहीं कर सकता राजन मेरे माता पिता के पास अब चली जाइए मेरी माता भी अंधी है मेरे पिता भी अंधे हैं श्रवण के माई बाप दोनों आके अन्हर रह लो विचार करब कहले जे ई घड़ा के पानी ले जा राजन हमरा माता पिता के पिया दी हो सकता कि कहीं उधर के क्षमा कर दे सु घड़ा में पानी लेके अतना बात कह के श्रवण कुमार अपन प्राण छोड़ दे ले। लेकिन जब घटना स्थल पर पहुंच ले जहां उनकर माता पिता बैठे रह लो माता भी अंधी पिता भी अंधा महतारी जानतारी जे बबुआ गोल बड़े पानी ले आवे कह लीजिए बेटा उ जानतारी जे हमर बबुआ हवे पप्पू भैया हमरा के दले बने पुरस्कार उ जानतारी जे हमर बबुआ हवे कह लीजिए बेटा जब तक बोलबो ना तब तक हमनी के तहर हाथ से पानी ना पिए जे बेटा जब हाथ स्पर्श भइल माता का
तुम कौन हो, कौन हो? कहले जे मैं अज का पुत्र युवराज दशरथ, दशरथ के बाप के नाम रहे, राजा अज के बेटा रहले राजा दशरथ। कहले जे हम शब्द भेदी बाण चलावे, गलती से चूक हो गई ला, तहरा लोग के बेटा के मान ला गुल श्रवण कुमार अब दुनिया में नहीं खाना। महतारी के करेजा जब सुन लीजिए हमार बेटा मर गई तो वो छाती में मुका मार के मर गई। लेकिन वही समय में श्रवण के बाप राजा दशरथ के श्राप दे दिए, कहले कि जाओ राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे आज इस बीच भी हड़पन में हम लोग अपने पुत्र के बगैर तड़प तड़प कर मर रहे हैं, राजन तुमको भी हम श्राप दे रहे हैं कि तुम भी एक दिन महल के अंदर पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। उहे राजा दशरथ के श्राप आज पड़ल, छह बार राम राम कहले आ दुनिया छोड़ दिले। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, अतनु परिहर रघुबर बिरह तराऊ गयउ सुरधाम। छह बार राम राम कही के राजा दशरथ स्वर्ग लोक में गईले।